हेलो स्टूडेंट्स, ए के एस लोक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत एक नया टॉपिक लिखितों की प्रसिद्धि यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ब्रिटिश संतोष अधिनियम 1963 की धारा 26 में प्रावधान है कि यदि पक्षकार चाहे तो किसी लिखित संविदा या अन्य लिखित दस्तावेज की किसी पारस्परिक भूल का सुधार करने के लिए न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। लिखित संविदाओं में या विलेखों में इस बात की संभावना रहती है कि कोई बात भूल से छूट जाए या कपट के कारण लिख दी जाए, तो ऐसी स्थिति में जब किसी पक्षकार को भूल का पता चले या कपट की जानकारी हो, तब उस लिखित दस्तावेज को शुद्ध कराने के लिए न्यायालय में जा सकता है। इस प्रकार परिशोधन का अर्थ किसी लिखित दस्तावेज में सुधार करना है ताकि उस दस्तावेज की भाषा से संविदा के पक्षकारों का वास्तविक आशय स्पष्ट हो सके। इससे पक्षकारों के दस्तावेजों के परिशुद्ध करने के अधिकार भी कहा जा सकता है। यह अधिकार साम्य के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है दस्तावेज में सुधार करके पक्षकारों को उसी स्थिति में रखना जिस स्थिति में वे होते यदि दस्तावेज लिखते समय वह विशेष भूल या कपट ना किया गया होता। आगे इसमें है कौन सा व्यक्ति परिशुद्धि के लिए आवेदन कर सकता है। जो व्यक्ति परिशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं उनके संबंध में अधिनियम की धारा 26(1) के खंड का ख और ग के अंतर्गत उपबंध दिए गए हैं। खंड का के अनुसार दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि लिखित को परिशुद्ध करने के लिए वाद दायर कर सकता है। खंड खा के अनुसार वादी किसी ऐसे वाद में जिसमें लिखित के अधीन कोई अधिकार उद्भूत या कोई अधिकार विवाद हो अपने एवचन में दावा कर सकता है कि लिखित परिशोधित किया जाए। खंड गा के अनुसार ऐसे किसी वाद में जैसा खंड खा में निर्दिष्ट है प्रतिवादी किसी अन्य प्रतिरक्षा के साथ साथ जो उसको उपलब्ध हो लिखित की प्रसिद्धि की मांग कर सकता है। आगे प्रसिद्धि के लिए आवश्यक शर्तें। धारा 26 के अधीन न्यायालय प्रसिद्धि का आदेश तभी देगा जब पहला वो संविदा लिखित हो, दूसरा संविदा लिखते समय पक्षकारों ने किसी तथ्य के बारे में कपट किया हो, तीसरा संविदा लिखते समय पक्षकारों से पारस्परिक भूल हो गई हो, और चौथा संविदा की भाषा से पक्षकारों का आशय स्पष्ट न होता हो, अर्थात लिखित दस्तावेज से पक्षकारों के मौखिक आशय को वही अर्थ न दिया जा सकता हो जो संविदा के समय वे रखते थे। आगे लिखित का अर्थ। इस धारा में लिखित में प्रत्येक ऐसा दस्तावेज सम्मिलित है जिनके द्वारा पक्षकारों में कोई अधिकार या दायित्व या दोनों उत्पन्न होते हैं, अतः इस धारा में विक्रय पत्र, बंधक पत्र, दान पत्र, पट्टा विलेख, दत्तक विलेख, वसीयतनामा आदि सभी को प्रसिद्ध कराया जा सकता है। आगे लिखित प्रसिद्धि का आदेश देने से न्यायालय कब इनकार कर सकता है, तो लिखित की प्रसिद्धि संबंधी आदेश देने की शक्ति न्यायालय की विवेक की शक्ति है। न्यायालय लिखित में परिशोधन को कुछ दशाओं में नामंजूर कर सकता है। जैसे पहला है जब पक्षकारों के मध्य वैध संविदा अस्तित्व में ना हो, दूसरा जब पक्षकारों ने कोई कपट या भूल ना की हो, और तीसरा है जब विलेख से पक्षकारों का आशय स्पष्ट हो, और चौथा जब न्यायालय को अन्याय की संभावना ना हो, और पाँचवा है जब कपट या भूल से पक्षकारों के अधिकारों दायित्व प्रभावित ना होते हों। इस प्रकार न्यायालय लिखित की प्रसिद्धि के अंतोष के बारे में विवेक की शक्ति रखता है तथा संतुष्ट होने पर ही प्रसिद्धि के आदेश देता है। ये टॉपिक पूरा हुआ। आगे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।